दोस्तों जैसे कि आप सभी अच्छे से जानते ही हैं कि हाई प्रोफेशनल ड्रग केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आने के बाद हर कोई शॉक्ड हो गया है। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सुन करके रख दिया है। लंबे समय तक पूछताछ करने के बाद एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जनता के साथ कई बॉलीवुड स्टार्स ने अपने रिएक्शन दिए हैं, इसीलिए आज हम आपको बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज के रिएक्शन के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अजय देवगन ने मीडिया को इस बात का दोषी बताया कि मीडिया इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। मीडिया का इस बात पे इतना इसलिए फोकस है क्योंकि मामला बॉलीवुड का है, एंटरटेनमेंट का है, जबकि इस समय दिखाने के लिए देश में काफी कुछ है। अजय ने कहा कि मीडिया को फिलहाल जब तक कोई भी डिसीजन कोर्ट का नहीं आ जाता इस मामले को छोड़ देना चाहिए, इतना हंगामा नहीं मचाना चाहिए। नंबर टू, सलमान खान। वहीं सलमान खान तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि शाहरुख खान के सपोर्ट के लिए सलमान वो पहले शख्स हैं जो कि शाहरुख के घर मन्नत में पहुंचे थे उनकी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए। शाहरुख खान ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सलमान ही वो शख्स हैं जो उनकी मदद करते हैं। अब सलमान खान ने दोस्तों आगे ये भी कहा है कि कोई भी गलत हो या सही, लेकिन दोस्ती निभाने का समय यही होता है जब आपका दोस्त मुश्किल में हो। नंबर थ्री, अक्षय कुमार। वहीं अक्षय कुमार ने मीडिया से पूछे गए सवाल पर ये कहा था कि ना मैं उस ड्रग पार्टी में था और ना ही मैंने वहाँ पे कुछ देखा, बस इतना ही कहूँगा कि कोई गुनहगार है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक कोई गुनहगार साबित नहीं हो जाता उसको गुनहगार बताना भी एक प्रकार का क्राइम है। इसलिए उन्होंने मीडिया को यही कहा कि दोस्तों अभी इस बात पे इतना हंगामा ना मचाएं, आप वो दिखाएं जो सच है, बल्कि झूठी कहानियां बनाकर पब्लिक के सामने पेश ना करें। नंबर फोर, ऋतिक रोशन। उसके बाद ऋतिक ने भी आज लंबी चौड़ी पोस्ट करते हुए आर्यन को मुकम्मल सपोर्ट किया और आर्यन को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लंबा मैसेज लिखकर कहा कि ये तुम्हारे लिए बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन है, मैंने तुम्हें बच्चे से बड़ा होते हुए देखा है, तुम इस मुश्किल सिचुएशन को झेलना सीखो और अपनी सच्चाई को बाहर आने से मत रोको, अगर तुम गलत हो तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो भगवान तुम्हारे साथ है, सब कुछ सही होगा, इस प्रकार से उन्होंने सपोर्ट किया। नंबर फाइव, आमिर खान। वहीं आमिर खान ने दोस्तों ये कहा है कि ये मामला इसीलिए इतना गर्म है क्योंकि बेटा शाहरुख खान का है, अगर ये किसी और का बेटा होता तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। आमिर खान का सीधा सीधा यहाँ पे जो इशारा था वो शायद हिंदू मुस्लिम पर ही था। नंबर सिक्स, संजय दत्त। संजय दोस्तों जो कि ड्रग मामले में जेल भी जा चुके हैं, इन्होंने भी आर्यन पर अपना रिएक्शन दिया है। संजय दत्त ने कहा है कि मैं खुद जानता हूँ कि ये चीज कितनी खतरनाक है, मेरी जवानी में ये आदत मुझे भी लगी थी और ये बहुत आगे तक गई, मैं इसकी सजा भी पा चुका हूँ, हमें इस केस को नॉर्मली देखना चाहिए, सेलिब्रिटी से इस केस को नहीं कनेक्ट करना चाहिए। संजय दत्त ने पूरी तरह से आर्यन और शाहरुख को सपोर्ट किया और इनकी सही सलामती की दुआ की। नंबर सेवन, कंगना रनौत। कंगना का रिएक्शन सबसे शॉकिंग था और इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू बॉलीवुड के माफिया पप्पूज पर निशाना साधा है। कंगना ने लिखा कि अब सब बॉलीवुड के माफिया पप्पू आर्यन के डिफेंस के लिए आगे आ रहे हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं लेकिन हमें उसे ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, मुझे यकीन है कि ये सब उसे एक पर्सपेक्टिव देगा और अपने एक्शन का रिजल्ट्स वो जान पाएगा, होपफुली ये उसे इवॉल्व करके एक बेहतर और बड़ा इंसान बनाएगा। जो अच्छे हैं उनके बारे में गॉसिप नहीं करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो गलती की उसे ये बताना कि इसमें कोई बुराई नहीं है गलत बात है। तो दोस्तों ये थे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रिएक्शन आर्यन खान ड्रग केस पर। आपको इन सेलिब्रिटीज में से कौन सही लगा हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।